इस भगवान के गुस्से से आज भी उबलता है यहाँ का जल। जानिए इसके पीछे की अनोखी कहानी। हिंदू धर्म प्रधान देश होने के कारण यहाँ बहुत से मंदिर विद्यमान हैं और कई देवी देवताओं की पूजा की जाती है। भारत में विद्यमान सभी मंदिर के पीछे कुछ न कुछ कथाएं जुद्धी हुई हैं, जो उस मंदिर के विषय से हमें परिचित कराती हैं। ऐसा ही एक मंदिर हिमाचल प्रदेश में स्थित है, जिसे मणिकर्ण मंदिर के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, मनाली की वादियों के बीच बसा मणिकर्ण साहिब गुरुद्वारा किसी चमत्कारी तीर्थस्थल से कम नहीं है। वैसे ताए मनाली घूमने फिरने वालों की पसंदीदा जगह है। वहां की वादियां नजारे किसी काय भी मोह लेते हैं। लेकिन मनाली में एक धार्मिक जगह ऐसी है जहां बर्फीली ठंड में भी पानी उबलता रहता है। मान्यता है कि शेषनाग के गुस्से के कारण यह पानी उबल रहा है। इस जगह का नाम है मणिकर्ण। कहा जाता है कि शेषनाग ने भगवान शिव के क्रोध से बचने के लिए यहाँ एक दुर्लभ मणि फेंकी थी। इस वजह से यह चमत्कार हुआ और यह आज भी जारी है मणिकर्ण में। शेषनाग ने भगवान शिव के क्रोध से बचने के लिए यह मणि क्यों फेंकी, इसके पीछे की कहानी भी अनोखी है। मान्यताओं के अनुसार मणिकर्ण ऐसा सुंदर स्थान है जहां भगवान शिव और माता पार्वती ने करीब 11,000 वर्षों तक तपस्या की थी। माँ पार्वती जब जल क्रीड़ा कर रही थी, तब उनके कानों में लगे आभूषणों की एक दुर्लभ मणि पानी में गिर गई थी। भगवान शिव ने अपने गणों को इस मणि को ढूंढने को कहा, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी मणि नहीं मिली। इससे भगवान शिव बेहद नाराज हो गए। यह देख देवता भी कांप उठे। शिव का क्रोध ऐसा बढ़ा कि उन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोल लिया, जिससे एक शक्ति पैदा हुई। इसका नाम नैना देवी पड़ा। नैना देवी ने बताया कि दुर्लभ मणि पाताल लोक में शेषनाग के पास है। सभी देवता शेषनाग के पास गए और मणि मांगने लगे। देवताओं की प्रार्थना पर शेषनाग ने दूसरी मणियों के साथ इस विशेष मणि को भी वापस कर दिया। हालांकि वह इस घटनाक्रम से काफी नाराज भी हुए। शेषनाग ने जोर की फुंकार भरी, जिससे इस जगह पर गर्म जल की धारा फूट पड़ी। मणि वापस पाने के बाद पार्वती और शंकर जी प्रसन्न हो गए। तब से इस जगह का नाम मणिकर्ण पड़ गया।